30 दिसंबर से सऊदी में कामगारों के लिए दोस्तों नया नियम लागू। दोस्तों टेस्ट नहीं कराने पे दोस्तों नौकरी का आवेदन होगा रद्द। वहीं दोस्तों दूसरी खबर मक्का मुनव्वर से आएगा दोस्तों, मक्का मुनव्वर से आएगी दोस्तों। मक्का मुनव्वर में तवाफ की अब सुविधा दोस्तों होगी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वहीं दोस्तों उमरा यात्रियों के अलावा दोस्तों और भी यात्रियों को प्रवेश की अनुमति दोस्तों दी जाएगी। क्या है पूरी खबर चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे कर दिए, जिससे वीडियो की नई वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 30 नवंबर से कामगारों के लिए नया नियम लागू होने वाला हैगा दोस्तों। कहा गया है कि डिलीवरी वर्कर्स जो होंगे उनको हेल्थ सर्टिफिकेट रखना जरूरी अनिवार्य हो गया कर दिया गया है दोस्तों। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन यानी CITC ने दोस्तों इसको अनिवार्य कर दिया है, यानी कि लागू कर दिया है कि आप जो टेस्ट कराएंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अपने पास में रखना पड़ेगा। और दोस्तों कौन कौन से टेस्ट कराने हैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी लिस्ट आ रही है, ये आपको कराने वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा दोस्तों। ये देखिए न्यूज़ है कि आप देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों आपको दूसरी खबर आपको बताते चलें दोस्तों, अब जल्द ही उम्र के अलावा के लोगों को भी दोस्तों प्रवेश की अनुमति, यानी कि जो उम्रा करने जाते हैं उनके अलावा भी लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों। जैसे जैसे देखा जाए तो यहाँ पे केसेस कम हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ही कम हो रहे हैं। वैसे वैसे धीरे धीरे यहाँ पे सब स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहेगा दोस्तों। जिस तरीके से यहाँ पे केसेस को कंट्रोल किया गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। और दोस्तों आपको आप बताते चलें, मुनव्वर को पूरी सहूलियत से सहूलियत और सुरक्षा के साथ ही सभी सुविधाओं को प्रदान की जाएगी दोस्तों। पहली मंजिल पर दोस्तों तवाफ करने की अनुमति दोस्तों दी जाएगी। वहीं दोस्तों COVID-19 से बचने के लिए नियमों का पालन भी करना दोस्तों ज़रूरी है। वहीं दोस्तों आपको बताते चलें कि दोस्तों इम्तियाराना और तवकलना ऐप में दोस्तों ये आइकन भी जोड़ा जाएगा।